हेलो फ्रेंड्स, रिवर्ट हेयर क्लिनिक देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 8 साल से हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बियर्ड ट्रांसप्लांट और मुस्टैच हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो यंगस्टर्स, जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी दाढ़ी या मूंछ की जो हेयर डेंसिटी है वो कम है, या ऐसा लगता है कि जो शेप है उनकी मूंछों की या फिर बियर्ड की वो प्रॉपर नहीं है, या फिर किसी भी रीजन से कोई उनके फेशियल, जहां फेशियल हेयर्स हैं, जहां दाढ़ी है या मूंछ है, वहां कोई स्कार है या कोई बर्न स्कार है, या कोई ट्रॉमा, कोई चोट लगी हो पहले जहाँ पे बाल नहीं आ रहे हैं, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो और दाढ़ी में उस एरिया में बाल नहीं आ रहे हैं और वो सामने से और लगता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए। हम जिन लोगों की फेशियल हेयर्स जिन लोगों में कम होता है उनको हेयर ट्रांसप्लांट से हम जो बियर्ड या मुस्टैच की डेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं, उस एरिया को प्रॉपर शेप भी दी जा सकती है, और अगर आपका स्कार है, आपका कोई जलने की वजह से कोई स्कार है या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से स्कार है, अगर उसमें एडिक्वेट डेंसिटी आ गई है तो उस एरिया को भी हेयर ट्रांसप्लांट से उस एरिया में हेयर दिए जा सकते हैं और उसको जो है लुक वाइज इम्प्रूव किया जा सकता है। हम लोग जो बियर्ड ट्रांसप्लांट और मुस्टैच हेयर ट्रांसप्लांट बहुत रेगुलरली करते हैं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं। हेयर लॉस या हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन या कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप आती है तो हम इसी चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन भी दबा दें। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग।